हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पढ़ाने से पहले कुछ इसके बारे में बता देना ज़रूरी होता है, क्योंकि छात्र जो है छात्रों को विस्तृत जानकारी देना ही एक टीचर का कर्तव्य होता है। फ्रेंड्स, तो आज मैं इंडियन पॉलिटी के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले हम फिजिक्स और ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर का प्रिपरेशन करवाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं कुछ नए टॉपिक की ओर। और मैं दो या तीन दिन लगातार मैं इसी से संबंधित और जैसे पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स, प्रिपरेशन कराऊँगा। और जैसे ऑटोमोबाइल का आता है तो वो जो है तो डेली तो आना ही आना है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर का और मैकेनिकल का। इसके अलावा फिजिक्स जो है अब जो है इसके बाद ही आएगी। और सभी कुछ लेके चलना है फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी हो गया, उसके बाद में इसके बाद केमिस्ट्री भी आप लोग को प्रिपरेशन करवानी है। तो विस्तार से मैं सब कुछ करवाऊँगा फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसा करवाऊँगा कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मेरा कोशिश यही रहेगी। और एग्ज़ाम जो है आप लोग का जो है लेवल जो है बढ़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पहले जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी होता क्या है। पॉलिटी आखिर पॉलिटी ही क्यों कहा गया, इसका मतलब हम जानेंगे। तो पॉलिटी के मतलब होता है, ये शब्द कहाँ से आया, कैसे नाम रखाया, तो ये सब सारे जानेंगे। तो पॉलिटी यानी पॉलिटी से ही बना पॉलिटिक्स, है ना, जो ये जो पॉलिटिक्स बना है ये पॉलिटी शब्द से ही बना है। अब जो है कि पॉलिटी शब्द जो आया है फ्रेंड्स वो किस देश से है, तो ये पॉलिस देश से आया है ना, पॉलिस शब्द से बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये जो पॉलिटी शब्द बना है ये पॉलिस शब्द से बना है पॉलिस शब्द से ही जो है ये टूटकर जो है पॉलिटी बना है। अब जो है पॉलिस का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। तो पॉलिस का मतलब होता है नगर या राज्य। ओके फ्रेंड्स, पॉलिटी शब्द जो है पॉलिस शब्द से बना है, पॉलिस का मतलब होता है पुलिस नहीं, पॉलिस POLISE पॉलिस, इसका मतलब होता है नगर या राज्य। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि एक राज्य होने के लिए जो है वो किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो राज्य होने के लिए तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो उसका क्षेत्रफल चाहिए, किसी राज्य के होने के लिए, राज्य को हम बनाने के लिए सबसे पहले तो क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल होगा तभी तो वहाँ जनसंख्या होगा, पहला क्षेत्रफल भू क्षेत्र, दूसरी है जनसंख्या। अब क्षेत्रफल हो गया तब वहाँ जनसंख्या होगा तभी तो वोट मिलेगा, है ना, तो हो गया जनसंख्या, वहाँ जनसंख्या होना चाहिए। अब जो है और फिर वहाँ जो है एक सरकार होना चाहिए, और जनसंख्या होना चाहिए, भू क्षेत्र होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और संप्रभुता आवश्यक है। तो किसकी संप्रभुता आवश्यक है, तो जनता की संप्रभुता आवश्यक है, यानी कि जनता की सहमति आवश्यक है, जनता वोट देगी तभी तो सरकार बनेगा। और जब क्षेत्र रहेगा, क्षेत्रफल वहाँ ज़्यादा रहेगा तभी तो वहाँ जनसंख्या रहेगा। तो जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनता का जो है अस्तित्व, जनता का समर्थन होना चाहिए, और तो जो तब जो है जाकर राज बनता है। राज्य के लिए सरकार होना आवश्यक है, जनता की सहमति होना आवश्यक है, क्षेत्र होना आवश्यक है, और जनसंख्या होना आवश्यक है। तो ये चीज़ आपको मालूम हो गया। अब जो है राजनीति का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि राजनीति का जन्म जो है यूनान में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, राजनीति का जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में। पूरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, एक एक करके जो है सारा जो है आप जो है आपको जो है ये इंडियन पॉलिटी जो है आसान हो जाएगी अगर आप ध्यान से सुनते हैं। तो सारा प्रश्न क्वेश्चन इस आंसर इसी में मिल जाएगा फ्रेंड। अब जो है तो ये जो है कहाँ हुई थी, यूनान। राजनीतिक शब्द का जो है अर्थ, राजनीतिक शब्द कहाँ से निकला है, राजनीतिक विज्ञान का जो है कि आविष्कार हुआ है कहाँ हुआ है,
यूनान में हुआ। और राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। और ये जो यूनान का रहने वाले थे, यानी राजनीतिक विज्ञान का जो है जन्म जो है यूनान में हुआ था, और अरस्तु जो है इनका जनक थे राजनीतिक विज्ञान का। अब जो है संविधान की परिभाषा जान लेते हैं। तो विभिन्न कानून है ना, यह संग्रह जिसे नागरिकों के अधिकार, पहले नागरिकों को अधिकार मिले, उसके बाद में उसका कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य मिले, उसके बाद में उसको रहने के लिए और कर्तव्य के लिए एक प्रशासनिक निकाय मिले, यानी कि उसको नियम पालन करवाने वाला मिले, यानी प्रशासनिक क्रिया मिले, ठीक है। तो उसको जो है ये शब्द मिलकर जो है, ये सब मिलकर जो है इसको जो हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। मनुष्य को जो है अधिकार और कर्तव्य के साथ में उसको फ्लो करवाने वाला एक प्रशासनिक निकाय मिलता है, प्रशासनिक निकाय मिले तो ये सब मिलकर जो है संविधान बनता है, इसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान का जन्म, अब संविधान का जन्म कहाँ हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है, और राजनीति का जन्म यूनान में हुआ है। तो ये शब्द थे फ्रेंड्स जो आपको समझाना था। और जो है संविधान के लिए क्या जरूरी है, तो संविधान के लिए जरूरी है नागरिकों का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और उसे जो है उसके अंदर में रहने के लिए एक कानून जिसको हम प्रशासन कहते हैं, यानी कि प्रशासनिक क्रिया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है, मैं गौतम। और आज फ्रेंड्स मैं जो है जनरल अवेयरनेस का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, और ये जो है लगातार 3 या 4 दिन जो है मैं इसी टॉपिक को जो है पढ़ाऊँगा। तो ये है इंडियन पॉलिटी, और जो है ये फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि जो है आपको सारा जो है प्रिपरेशन करवा दूँ। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो और जो है फिजिक्स का भी, नहीं फिजिक्स का भी मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, उसमें मोशन मेजरमेंट इत्यादि करवा चुका हूँ, तो वो भी मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। और ये जो है इंडियन पॉलिटी है फ्रेंड्स, और जो है आप इसे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और MBI एग्ज़ाम में जो है पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग जो है इसे पूरा वॉच करें फ्रेंड्स। और जो भी मैं क्वेश्चन, जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसी में जो है अगर आप लगातार प्रिपरेशन करते हैं तो प्रश्न जो है आप जो है आपका लेवल जो है बढ़ सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या है कि B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बाद 1932 में हस्तांतरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो जो है ना फ्रेंड्स ये क्या है कि बी, आपको समझना है कि B.R. अंबेडकर, ठीक है, B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी, ये जो है आपको बताना है 24 सितंबर, आपको जानकारी होना चाहिए, ये सब जानकारी रखना जरूरी है, 24 सितंबर 1932 में, ठीक है, ये एक अरवदा जेल था फ्रेंड्स, ठीक है। अरवदा जेल में जो है दोनों को मीटिंग होता है, B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है, और क्या समझौता होता है, तो वह जो है हरिजनों के लिए जो है आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो है के बारे में जो है समझौता होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो बताना है फ्रेंड, तो जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। और आपको बता दें कि भारत में जो है शासन प्रणाली को जो है सुधार के लिए जो है इस अधिनियम को लागू किया गया। भारतीय परिषद, अगर एग्जाम में पूछे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किस लिए जो है लाया गया इस अधिनियम को, तो भारत के जो है, भारत में जो है शासन प्रणाली के सुधार करने के लिए जो है भारत परिषद अधिनियम लाया गया, यानी कि सुधार प्रणाली के लिए जो है भारत में शासन प्रणाली के सुधार के लिए जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया था। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 में, तो आपको ध्यान से सुननी है फ्रेंड्स। तो चार्टर एक्ट जो है
ये 1833 ये किस लिए बना था? तो ईस्ट इंडिया जो है ना, ईस्ट इंडिया में जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है, एक शाही लोगों के लिए जो है एक चार्ट बना था, ठीक है, उसे जो है हम कहते हैं चार्टर एक्ट 1833। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है शाही लोगों के लिए एक चार्ट बना था, चार्टर एक अधिनियम, एक चार्ट में जो अधिनियम बना था, उसे एक कानून बना था शाही लोग के लिए, चार्टर अधिनियम, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है शाही लोग के लिए एक चार्टर कानून बना था, अधिनियम, उसको चार्टर अधिनियम कानून कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी में शाही लोग के लिए जो है चार्टर एक्ट एक कानून बना था जो 1833 में बना था, तो इसी का नाम जो है चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 दिया गया है। ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 तो इसमें जो है लॉर्ड काउन के जो है ये जो अधिनियम कब बना, ये अधिनियम किस लिए बना, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो ये जो है बना, ये जो है लॉर्ड काउन के नाम से जो है इस नियम को बनाया गया। लॉर्ड काउन नाम का कोई व्यक्ति थे, लॉर्ड काउन है ना, इसी के नाम पर जो है इस नियम को बनाया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और बता देते हैं, और रही बात हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो ये जो है इसको मार्लो मिंटो अधिनियम भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं है, इसको जो है मार्लो मिंटो अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में नो कहिए या फिर मार्लो मिंटो अधिनियम कहिए, क्यों, क्योंकि मार्लो मिंटो अधिनियम जो है 1909 में बना था, आपको याद होना चाहिए। और मार्लो मिंटो अधिनियम, मार्लो मिंटो आखिर नाम क्यों पड़ा बताते हैं। तो मार्लो एक सचिव था और मिंटो था एक वायसराय, तो मार्लो सचिव, मार्लो के काल में यानी मार्लो सचिव के काल में और मिंटो वायसराय के काल में एक अधिनियम बना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसी के काल में बना था, तो इसीलिए जो है इसका नाम जो है मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 हुआ। अब जो है तो हम दोनों नियम अधिनियम को यानी 1909 में मार्लो मिंटो भी बना, 1909 में भारत परिषद अधिनियम भी बना, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब बना था, तो 1773 में बना था, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट बना था किस लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन प्रावधान को जो है ये भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है शासन प्रणाली के प्रावधान को जो है बदलने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है बना था, है ना। तो ये बातें याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट नियम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटिव है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है शासन प्रणाली के प्रावधान में इस नियम को बनाया गया था 1773 में, तो ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया, तो आपको याद होना चाहिए कि जो है महारानी विक्टोरिया को जो है कब किया गया था, तो 1898 में किया गया था, ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 में, यहाँ पर 58 होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 58 कर दीजिएगा, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, तो 58 आप लोग को कर देना है, ओके फ्रेंड्स, 1858 में यहाँ पर कर दीजिएगा 1858 में, क्योंकि जो है महारानी विक्टोरिया जो है भारत का सामग्री नियुक्त की गई थी 1858 में, तो भारत सामग्री विक्टोरिया जो है 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, ये जो है भी आई है और कई बार आया गया प्रश्न है फ्रेंड्स, तो निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो आपको याद रखना है, तो जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है महारानी विक्टोरिया पूरा की थी, देशी राजवाड़ों के साथ जो यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। नेक्स्ट है कि मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या है, अभी बताए थे कि मिंटो मार्लो सुधार जो है 1909 में आया था, और इस नियम का मिंटो मार्लो सुधार आने के तत्पश्चात में 3 अधिनियम और बना था,
बस इसी समय में। अभी बताएं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और जो है मिंटो मार्लो सुधार जब बना था तो उस समय जो है चुनाव प्रणाली को जो है पहली बार जो है मान्यता प्रदान भी हुई थी। एग्जाम में आ सकता है कि चुनाव प्रणाली को भारत में पहली बार मान्यता कब प्रदान हुआ था, तो 1909 में हुआ था, जब मार्लो मिंटो सुधार बना था तब हुआ था। और जो है इस समय जो है भारत परिषद अधिनियम भी बना था, तो ये सब जान। और मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन प्रणाली भी मिंटो मार्लो सुधार से ही संबंधित है। इस नियम में जो है, इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए जो है अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ हुआ था, तो ये सब याद रखना है। और जो है मिंटो मार्लो मतलब क्या होता है, मिंटो एक सचिव थे, मार्लो एक वायसराय थे, तो 1909 में ये जो है उस समय सचिव और वायसराय मिंटो और मार्लो के होने के कारण जो है इसका नाम जो है मिंटो मार्लो सुधार बना था। और जो है उस समय जो है भारत परिषद अधिनियम भी 1909 बना था, उसी समय दोनों वायसराय और एक सचिव था, तो ये दो व्यक्ति थे, मिंटो सचिव और मार्लो वायसराय। उसी समय में मिंटो मार्लो सुधार हुआ था, मुसलमानों के लिए जो जो कानून बना था, तो ये जो है याद रखना है। अब जो है मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना है कि तो ये क्या है कि मिंटो मार्लो का जो है क्या था, तो आपको बताना है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि सुधार का उद्देश्य क्या था, तो इसमें जो है कोई नहीं होगा फ्रेंड्स, है ना। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली, हमारा अगर बोले तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताएं मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ क्या आपको हम बताते हैं, आपको बताएंगे फ्रेंड्स। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रधानों का सार था, तो आपको बताना है ये जो है प्रांतों पर दोहरा शासन। नेक्स्ट है कि 1946 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो बताना है तो पाकिस्तान की स्वीकृति या सूची। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, तो आपको बताना है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो आपको बताना है कि भारत की आज़ादी के समय जो है तो लेबर पार्टी की सरकार थी। केंद्र में दैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1947। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया 1935 में। नेक्स्ट है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो हो जाएगा फ्रेंड्स ए
1935। भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो आपको बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन कब हुआ था, ये जो है VVI है फ्रेंड्स। तो सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, और इस विभाजन के कारण क्या था कि दो चीज़ का, इसी विभाजन में दो गुटों का अलगाव हुआ, एक गर्म दल बना और एक नरम दल बना, तो ये आपको याद रखना है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय अधिनियम कब अपनाया गया, तो ये जो है 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब किया गया, तो सर्वदलीय सम्मेलन बताना है कि कब किया गया, तो 1928 में। और सर्वदलीय सम्मेलन क्या था कि जो है कांग्रेस का जो है, ये जो है कांग्रेस किए थे, सर्वदलीय सम्मेलन को कांग्रेस ने किया था, ठीक है। और इसका अध्यक्षता जो थे कौन कर रहे थे सर्वदलीय सम्मेलन के, मोतीलाल नेहरू। और 8 सदस्यों का ये एक सदस्यता बना था, 8 मेंबर का इसमें सदस्य बनाया गया था, जिसका जो है अध्यक्ष जो है मेन अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, है ना। तो ये बातें याद रखना है। तो ये 20 क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स VVI है, और ये इंडियन पॉलिटी से था। और नेक्स्ट आने वाला जो है वो कल भी जो है इसी से रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, और जो है 3-4 टॉपिक अभी इसी पे चलेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी टॉपिक बारी बारी से चलवा रहे हैं फ्रेंड्स। और इसके हो जाने के बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद मेन टॉपिक्स है पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे मतलब कि कोशिश रहेगा कि सारा का सारा जो है टॉपिक को हम कंप्लीट करवा दें सारे सब्जेक्ट में। तो और बिहार से जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है तो आप लोग से शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।